सच बताना किस किस को अपना बचपन याद आया स्कूल टाइम का, जब स्कूल से होली के टाइम पर छुट्टी होती थी। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनोज फौजी ब्लॉग्स पर और एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज बिल्कुल अलग तरीके से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है भाई। मैं खड़ा हूँ इस समय NH हाईवे पे, मेरे जस्ट पीछे मथुरा रिफाइनरी है और पीछे ये गाँव है बरारी। आज से 2 या 3 दिन पहले मैं आया था यहाँ बरारी सवारी छोड़ने के लिए सुबह सुबह। आज फिर से आज जा रहा हूँ मैं झंडीपुर, जो मथुरा का टूल प्लाजा है मथुरा और आगरा के बीच में। झंडीपुर के लिए 3 सवारी आई हुई है, होली का टाइम है तो ऐसी सवारी आ रही हैं, इन्हें छोड़ेंगे। अपने दिन की शुरुआत हो गई है तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना। अपना दिन शुरू हो गया है, चलिए देखते हैं कैसा रहता है सुबह सुबह। और आज यार आते ही आते एक बहुत बुरी खबर मिली है भाई, 3 दिन के लिए CNG जो गैस होती है हमारे ऑटो में डलने वाली, उसकी हड़ताल चल रही है 3 दिन के लिए। पता नहीं क्या होने वाला यार, होली के टाइम पर, त्यौहार के टाइम पर ये CNG की हड़ताल ने पूरी तरह से हिला दिया है। देखेंगे क्या होगा, अगर CNG नहीं मिलती तो खड़ा हो जाएगा, मामला बेकार हो जाएगा, पूरा त्यौहार बिगड़ जाएगा यार। गाइस, इनको लेके आया हुआ था, ये देखिए गांव है झंडीपुर और गांव के मकान देख लो। आजकल गांव में भी कारें खड़ी हैं भाई। ये पीछे एक और मकान है पुराने स्टाइल का बना हुआ, जो गाँव में होते हैं मकान। फरे से थोड़ा सा पहले ही गाँव है झंडीपुर, यहीं के लिए सवारियाँ लेके आया था। अब निकल रहा हूँ मथुरा के लिए। झंडीपुर वाली जो सवारी उन्हें छोड़ने के बाद स्टेशन आया, स्टेशन से एक और सवारी मिल गई नटवर नगर की मेरी कॉलोनी के पास, उन्हें छोड़ के फिर दोबारा से आया हूँ। और भाई आज पेट्रोल CNG गैस मिल नहीं रही है, पता नहीं क्या दिक्कत हुई है, हड़ताल है क्या चक्कर है, अभी कुछ भी पता नहीं चला है। केवल होली के चक्कर में बता रहे हैं मिल नहीं रही है, तो लाइन लगी हुई है ऑटो वालों की, ईको वालों की, जो CNG से गाड़ी चला रहे हैं। पूरे मथुरा में कहीं CNG नहीं मिल रही है भाई, ज़्यादातर ऑटो खड़े हुए हैं। मेरी में तो फुल है, रात को ही मैंने फुल करवाई थी, मेरे को पता भी नहीं था ऐसा कुछ होने वाला सुबह, लेकिन किस्मत अच्छी थी रात को फुल करवा लाया था। ऐसा माहौल है, इनमें से पीछे की तरफ जो ऑटो खड़े हैं उनमें तो CNG नहीं है, और ये मेरा वाला आगे की तरफ जो खड़े हुए हैं ये CNG के लिए इंतजार कर रहे हैं सवारियों का। चगुआ कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है? हाँ, तेरी सुविधा बढ़िया, चगुआ की सुविधा बढ़िया भाई, बैटरी से चार्ज है, फुल है एकदम चगुआ की। 2 दिन से तो सवारियाँ जो निकल रही थी वो मथुरा वृंदावन गोकुल ब्रज घूमने वाली थी, और भाई आज से शुरू हो चुका है जो वापसी अपने घरों को जाने वाले हैं उनका, तो बवंडर कर्रा वाला फैला हुआ है। ऊपर से CNG नहीं मिल रही है आज, तो बड़ी चुन चुन के सवारी पकड़नी पड़ रही है, कौन सी ले जाएं कौन सी ना ले जाएं, क्योंकि CNG नहीं मिल रही है। CNG की बिना गाड़ी कैसे चलेंगी, और सस्ते मध्य में कहीं चले भी जाते हैं और CNG ख़त्म होगी तो घर बैठ जाएंगे। तो सुनने में तो यहाँ तक ये आ रहा है भाई कि 3 दिन के लिए रोक लगी है, हड़ताल जो हुई है CNG पंपों पर, तो उन्होंने ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया यार। अभी 12:15 हो गए, मैं निकल रहा हूँ घर के लिए खाना पीना खाने के लिए, उसके बाद दोबारा से देखेंगे। कौन को झाड़ू है, हैं? कहाँ से लाई तू, कहाँ से लाई बता? अच्छा, ये देखो झाड़ू के पीछे अपनी बड़ी मम्मी यानी गीता से लड़ रही हैं दोनों, बोल रही है हमारा झाड़ू है। कहाँ से लाई, खरीद के लाई तू? है झूठी, है झूठी, कमेरी हो रही हैं, झाड़ू लगाने में लगी हुई हैं। गीता ने गेहूँ बना दिए हैं भाई, ये तो थोड़े से हंसना मत से देख के बन रहा, 40 किलो का कट्टा भालू वाले कमरे में बना हुआ रखा है पिसने के लिए। और ये है झूठी, ये है झूठी, ये देखो भाई मंकू आया होली खेल के स्कूल में। अबे इतना बुरा हाल, ये होली खेलिए क्या किया इस तरह से? ओ भाई शकल तो देखो इसकी, दिखाइए। ओए ओए, सच बताना किस किस को अपना बचपन याद आया स्कूल टाइम का, जब स्कूल से होली के टाइम पर छुट्टी होती थी, सेम टू सेम शकल हमारी हुआ करती थी भाई, जैसी आज इसकी है। तो भाई दोपहर बाद शाम के टाइम में जब मैं घर से स्टेशन के लिए आया था, उसके बाद यार थोड़ी देर हुई थी, ज़्यादा देर नहीं बैठ पाया था, वैसे तो लेट निकला था लगभग 4:30 बजे के करीब में, और थोड़ा सा बैठने के बाद ही मैं सोच ही रहा था कुछ करूँ, उसके बाद मेरे को मिल गई सवारी यार सीधा वृंदावन की, और वृंदावन में भीड़ भाड़ ने टाइम इतना कर दिया कि अंधेरा हो गया वापस आते आते। बहुत भीड़ है भाई वृंदावन में अभी भी, अभी 2 दिन और रहेगी उसके बाद थोड़ा सा काम डाउन होने शुरू होगा। और CNG के बारे में अभी अपडेट ये हुए है भाई, सुबह कह रहे थे कि हड़ताल है, वो हड़ताल नहीं थी, 2-3 पंपों पर एक साथ CNG ख़त्म हो गई थी, उसकी वजह से हल्ला कर दिया किसी ने कि हड़ताल है। और ईमानदारी से बताऊँ तो पूरी डिटेल में मेरे को भी नहीं मालूम है कि हड़ताल थी या नहीं थी, यहाँ तक है कि अब जो ऑटो वाले जो दोस्त हैं हमारे वो बता रहे हैं कि मिल रही है, अब सुबह मिल रही थी, सुबह नहीं मिल पा रही थी, इसलिए लोगों ने हल्ला कर दिया था झूठा कि हड़ताल है। तो अब तो CNG मिल रही है, अब तो मिल रही है, यानी कि बाद CNG
ये हमारा दोस्त है इकबाल। हेलो गाइस, जय महाकाल, जय शंभू। दोस्तों सीएनजी मिल रही है ना? मिल रही है। अरे सीएनजी मिल रही है, अब तो मिल रही है। क्या हुआ? सवेरे खबर मालूम पड़ी 5 बजे क्या गैस बंद है। मैं पल्ली पार गया, पल्ली पार से गैस चला के लाया बड़ी मशक्कत के बाद। उसके बाद मैंने गैस को बचा के रखा, छुपा के रखा, किस लिए? शायद मैंने कि होली पर परसों काम आए, लेकिन मालूम पड़ा कि दोपहर को सिस्टम चालू हो गया। चलो बढ़िया हुआ। और आज का धंधा ऐसे ही रहा हल्का, लेकिन धंधा सही था। हम लोग कमा नहीं पाए, गैस की वजह से काम नहीं कर पाए। अभी हमारी गलती मान लो, चाहे ऊपर से अफवाह फैल गई, अफवाह फैल गई थी, अफवाह फैल गई भाई। तो सीएनजी मिल रही है भाई। और हाँ यार, एक बात और कह रही थी आपसे, जिस दिन से मैंने टाइम बदला है ना, पहले सुबह 8 बजे डालता था, आजकल अब शाम को 6 बजे डाल रहा हूँ। लेकिन जिस दिन से टाइम बदला है, उस दिन तो 6 बजे तक आज तक मैंने ब्लॉग नहीं डाला है। और अभी भी जो बात कर रहा हूँ ना, अभी ब्लॉग डाला है मैंने, आज भी लेट हो गया, लगभग 7 बजे हुए हैं अभी। तो अभी अभी ब्लॉग याद आया मेरे को, तो ब्लॉग तो आज वाला ब्लॉग मैंने अपलोड ही नहीं किया था, तो अभी किया। जाके चेक कीजिए प्लीज़, और कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार वीडियोस को। एक वीडियो तो वायरल करवाओ अपने भाई का। चलिए शेयरिंग में लग जाइए भाई, वीडियो देख के लाइक कमेंट शेयर। तो भाई शाम के 8 बजे, और थोड़ा सा आपको स्टेशन का नज़ारा दिखाता हूँ कि होली की वजह से कितनी भीड़ और क्या माहौल चल रहा है आजकल मथुरा जंक्शन का। देखिए मैं कैमरे पर जाता हूँ पहले। देखिए गाइस, सामने जो दिख रही है आपको, उधर तो खिचड़ी बट रही है जो कि चलता रहता है हमारे यहाँ मथुरा जंक्शन पर। और ये भीड़ देखिए, ये गेट है सामने, 3 नंबर गेट धौली ब्याऊ, और यहाँ से शुरू करता हूँ। ये देखिए, सब होली के घूमने वालों की भीड़ है, आने वालों की, जाने वालों की। वहाँ तक पीछे मैदान बना हुआ है, उधर तक पब्लिक पड़ी हुई है, और इधर हमारा बसंतियाँ खड़ी हुई हैं सबकी। ये हमारे नेताजी हैं। तो भाई शाम के 10 बजे हैं, सारा दिन भाग दौड़ करने के बाद थकार के आ गए घर। और मेरे घर में 3 दिनों से भाई प्रॉब्लम चल रही है, मैंने आपसे जिक्र नहीं किया, लेकिन अभी दिखा रहा हूँ। ये देखिए ऊपर, ये जो पंखा चल रहा है ना ऊपर, ये यार इतना स्लो चलता है कि इसकी हवा भी महसूस नहीं होती है, और मच्छर हो गए बहुत ज़्यादा। तो इस कमरे में इतने मच्छर खाते हैं बहुत तेज़। तो कल हम लोग बाहर वाले कमरे में सोए थे, लेकिन 3 दिन से लगातार ऐसा हो रहा है। जब मैं सुबह निकलता हूँ ना, तो घर पे बोल के जाता हूँ कि दोपहर में लेके आऊँगा, दोपहर को टांग दूंगा नया पंखा। और ऐसा भी नहीं है कि पैसे ना हो जेब में भाई, पिछले 3, 4 या 5 दिनों से तो ऐसा हो रहा है कि एक पंखा खरीदने लायक रोज़ाना पैसे कमा लेता हूँ, लेकिन ध्यान ही नहीं रहता। और दोपहर को आता हूँ, आराम करता हूँ, फिर शाम को डायलॉग सुन के जाता हूँ, ले आना आप, और बोल के जाता हूँ लेके आऊँगा, शाम को फिर से ध्यान नहीं रहता। आज फिर से यही हुआ है, आज भी पंखा नहीं आ पाया। अब यार कल मुझे याद से एक पंखा लाना इस कमरे के लिए, ताकि चैन से सो सकें। अभी कूलर के लायक टाइम नहीं हुआ है, और पंखे से काम चल रहा है हल्का फुल्का, तो सोच रहा हूँ पंखा ला के लटका दो। ये काफ़ी स्लो हो गया, ये लगभग 7-8 साल पुराना पंखा है, 2 बार फूक गया था, सही करवा दिया, लेकिन अब इसकी स्पीड जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है, अब नया पंखा लाना पड़ेगा। और हाँ यार, कल की होली है, तो आप लोगों को भाई होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई एडवांस में, क्योंकि ये वाला ब्लॉग कल होली के दिन ही आएगा। कल होली में आग लगेगी जो जलाने वाली होती है, और परसों धूल है रंगों से खेलने वाली। तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कल, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।